देखिए, मेरा नाम अदनान अशरफ है और मैं आपके यहाँ भटकल विधानसभा का ऑब्ज़र्वर बनकर आया हूँ। कांग्रेस पार्टी का ऑब्ज़र्वर हूँ मैं यहाँ पर, और मैं AICC का नेशनल मीडिया इंचार्ज हूँ। जब वो विधायक होते थे, एक बार वो लोगों ने यहाँ के उनको विधायक चुना था, तो उन्होंने यहाँ पर बहुत विकास कार्य कराए। यहाँ सड़कें बनवाई, गलियाँ बनवाई, लाइटें बनवाई, पानी का इंतज़ाम किया, ब्यूटिफिकेशन का काम किया, और वो करीब अपने कार्यकाल में 1500 करोड़ रुपये यहाँ के लिए पास करा कर लेकर आए, जिसके विकास कर रही है, जो डेवलपमेंट उन्होंने किया है वो सबके सामने है। उसके बाद में किसी कारण से वो लोकतंत्र का हिस्सा ही होता है, वो चुनाव हार गए थे। आज जो भी माहौल है कांग्रेस के पक्ष में, पूरे प्रदेश में, आपके कर्नाटक में कांग्रेस की एक लहर चल रही है। पिछली बार कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुना था, लोगों ने वोट के ज़रिए, लोकतंत्र के ज़रिए कांग्रेस की पार्टी को चुना था। भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी एजेंसीज़ का दुरुपयोग करके, गलत इस्तेमाल करके, झूठे मुकदमे लगाकर, ED का गलत इस्तेमाल करके लोकतंत्र को शर्मसार किया और यहाँ की एक जनता के हाथों द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया। ऐसा उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने, सिर्फ कर्नाटक में नहीं किया, मध्य प्रदेश में भी किया, गोवा में भी किया, आपका कर्नाटक तो है ही उसमें। तो मैं लोगों से बस यही अपील करना चाहता हूँ कि आपका वोट बहुत कीमती है, अपने वोट की कीमत समझिए। आज देश का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल हिंदू मुसलमान करके रख रखा है। जो हिंदुस्तान का एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर था, ढांचा था, गंगी जमनी तहजीब थी, हिंदू मुसलमान एक दूसरे से मिलकर रहते थे, उसको इन्होंने नेस्ते नाबूद कर दिया है। सरकारी एजेंसीज़ का गलत इस्तेमाल हो रहा है, लोकतंत्र का ये खात्मा करने पे लगे हुए हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की जो जब बात की जाती है, तो उनकी जयंती को तो मनाते हैं, लेकिन उसके अगले दिन ही संविधान को उधेड़ कर अपना RSS का कानून देश में लगाना चाहते हैं। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसको इन्होंने कब्ज़ा करके रखना चाहते हैं, ताकि इनके लोग बैठें और ये अपने मन चाहे तरीके से जो इनके लाडले लोग हैं उनसे फेवर ले सकें। तो देश का माहौल बहुत ख़राब है, बहुत बुरे दौर से देश गुजर रहा है। महंगाई के बारे में आप सब लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री जी वादा करके आए थे कि मैं अगर प्रधानमंत्री, आप लोग मुझे, मैं बनता हूँ तो महंगाई कम करूँगा। आज आप देखिए महंगाई आसमान छू रही है, गैस का सिलेंडर देखिए, पेट्रोल के दाम देखिए, गैस के दाम देखिए, डीजल देखिए, खाने की दाल देखिए, और साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है। प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि जब रुपया की वैल्यू गिरती है, साख गिरती है, तो देश की साख गिरती है। तो आज मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आपका जो वक्तव्य आपने दिया था, तो आज देश की साख किस स्तर तक पहुँच गई होगी, तो वो आपको बताना चाहिए। सिर्फ सड़कों के नाम बदलने से, एक मुग़लों का इतिहास बदलने से, उनकी लिखी इतिहास में जो उनके कारनामे लिखे हुए हैं, अच्छे काम हैं, उनको लिखने से, उनको हटाने से देश तरक्की के रास्ते पे नहीं जाएगा। अगर आपको इतना ही शौक है इतिहास बदलने का, तो पहले आप इतिहास लिखना सीखिए, देश आपको याद रखेगा। इतिहास आपने भी लिखे हैं, महंगाई का इतिहास आपने लिखा, नोटबंदी का इतिहास आपने लिखा, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का इतिहास आपने लिखा, हिंदुस्तान की गंगी जमनी तहजीब को ख़त्म करने का इतिहास आपने लिखा, अर्थव्यवस्था को धूमल करने का इतिहास आपने लिखा, न्यायपालिका से जो लोगों को उम्मीद होती थी उसको आपने अपने कंट्रोल में करने का इतिहास आपने लिखा। तो मैं कर्नाटक की जनता से बस यही अपील करना चाहता हूँ, आपके प्रदेश में जिस तरह से आपने पिछली बार कांग्रेस की सरकार को चुना था, इस बार भी आपके प्रदेश में भाजपा के कुशासन से लोग त्रस्त हैं। और पिछली बार मुझे पता लगा, यहाँ का मैं दिल्ली में भी देखा था, कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने 40% कमीशन की वजह से आत्महत्या की थी, सुसाइड नोट उन्होंने लिख के दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से उनको कितना मजबूर किया होगा मंत्री जी ने, जो उनको सुसाइड की हद तक भी जाना पड़ा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो कारनामे हैं, इनकी जो कारगुजारियाँ, ये सब आपके सामने हैं। आपकी चुनी हुई सरकार को गिराया था हमने, अपने समय में विकास कार्य किए, मनरेगा दिया, भोजन का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना दिया, इंदिरा आवास दिया, तरह तरह की हमारी उपलब्धियां हैं। हमने IIT बनाए, IIM बनाए, एम्स बनाए आपके इलाज के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ महंगाई की है, देश को अडानी के हाथों बेच दिया, उद्योगपतियों के हाथों बेच दिया, ये सब आप जानते हैं। तो बस आपके प्रदेश में जो एक लहर है, इसको बरकरार रखिए। बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग करें, अपने वोट का, मतदान का प्रयोग करें, और लोकतंत्र के इस जमहूरियत के इस पावन दिन का हिस्सा बनिए। ठीक है, आपका ताल्लुक मीडिया से है, लेकिन कौन की मीडिया बहुत कमज़ोर है? देखिए, जो मीडिया कमज़ोर क्यों है, इसके बारे में हर कोई जानता है।
अब आप गोदी मीडिया कहते हैं, मोदी मीडिया कहते हैं, जो मीडिया के बड़े बड़े चैनल हैं उनके बारे में मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो समाज को प्रभावित करने की जो मीडिया जो क्षमता रखता है, ताकत रखता है, वो आज पूरे दिन जो नफरत परोसने का काम करता है, भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेलने का काम करता है, पूरे दिन कोई ट्रायल किसी कोर्ट में चलता है, वो सुप्रीम कोर्ट में चलता है, हाई कोर्ट में चलता है, लोअर कोर्ट में चलता है, मीडिया उससे पहले फैसला दे देता है, मीडिया अपना ट्रायल अलग चलाता है। ये मीडिया वालों के लिए एक चिंता का विषय है, उससे आपकी विश्वसनीयता में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। कम से कम आप अपनी विश्वसनीयता को बरकरार रखें, अगर लोग चैनल आपके देखते हैं तो उसको देखें और आपकी खबर पर जो है यकीन करें। ऐसा ना हो कि एक दिन लोग अपने घरों में टीवी लगाना बंद कर दें और सिर्फ सोशल मीडिया एक माध्यम ऐसा रह जाए कि चैनलों की बिल्कुल जो विश्वसनीयता है वो ख़त्म हो जाए। कांग्रेस खरीद फरोख्त की राजनीति ही नहीं करती, हम तो विकास के नाम पर राजनीति करते हैं, सेकुलरिज्म पर राजनीति करते हैं, देश को बचाने की राजनीति करते हैं, विकास कार्य करते हैं। हम लोग इस तरफ नहीं जाते कि हम किसी को खरीदें बेचें, ये सब भारतीय जनता पार्टी का काम है। नहीं, हमारा अखबार है, नेशनल हेराल्ड अखबार था, जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू किया था, नवजीवन उसका हिंदी का एडिशन है, उर्दू का कौमी आवाज़ अखबार रहा है। आज आप देखिए उसको भी ईडी के द्वारा किस तरह से सोनिया जी को, राहुल जी को 72 घंटे ईडी के दफ्तर में बिठाया गया, जाँच हुई, उसमें कुछ भी निकल के नहीं आया। मैं कर्नाटक की आवाम से, ख़ास तौर से मैं भटकल का ऑब्जर्वर हूं, तो मैं ये अपील आपसे करना चाहता हूं, गुजारिश आपसे करना चाहता हूं कि जिस तरह से पिछली बार आपने कांग्रेस की सरकार को चुना था, कांग्रेस पार्टी के ऊपर यकीन किया था, कुछ सोचकर आपने यकीन किया होगा, हमारी अच्छाइयां देखकर यकीन किया होगा, हमारे पिछले कार्यकाल को देखकर आपने यकीन किया होगा, तो इस बार भी आपके पूरे प्रदेश में, दोबारा कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, पूरे बहुमत से बनने जा रही है। आप लोग किसी बहकावे में मत आइएगा, हिंदू मुस्लिम की राजनीति में मत पड़िएगा, अपने वोट का अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा। लोकतंत्र का इस दिन का सबको इंतज़ार रहता है, यहाँ के लोग इतने वोट को लेकर इतने सतर्क हैं, जो NRIs हैं वो वोट देने भी आ रहे हैं यहाँ पर, और जो हैं तो वोट देके जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट कीजिए, भारतीय जनता पार्टी आपको बरगलाएगी, झूठे वादे करेगी, वो सब आपके सामने है। कांग्रेस पार्टी ने जितना विकास कार्य किया है वो सब आपके सामने है। अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए, उसको देखकर अपना वोट दीजिए। कांग्रेस पार्टी आपकी अपनी पार्टी आपके सुख दुख गम में हमेशा शरीक रहती है, तो आप कांग्रेस पार्टी को वोट करिए।